ओके, वेलकम बैक कृतिका। नाउ वी कम टू डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर्स। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या है? बांटना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर्स जो है वो क्या करता है? वो बांटने को रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट्स, इट शोज डिस्ट्रीब्यूशन। अर्थात डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर्स जो सेंटेंस में हम लगाते हैं, जिस नाउन के पहले डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर लगाते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर लगाने से हम ये कहना चाहते हैं कि वो नाउन में जिन लोगों की बात किया जा रहा है, हम वो हर एक आदमी की बात इंडिविजुअली कर रहे हैं। आई एम रेफरिंग टू ऑल ऑफ देम टू हुम आई एम टॉकिंग अबाउट। तो डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर्स क्या क्या है? ईच, एवरी, आइदर एंड नाइदर। जैसे देखो, इफ आई लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस, ईच गेस्ट, गेस्ट किसी प्रोग्राम में जो गेस्ट आते हैं वो तो एक नहीं होता, ईच गेस्ट मतलब बहुत सारे गेस्ट। सो व्हेन आई से ईच गेस्ट शुक हैंड्स विथ हर, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जितने गेस्ट है वो सारे उसके साथ हाथ मिलाए। तो हम कोई एक गेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, आई एम रेफरिंग टू ऑल द गेस्ट्स। देखो घर में काफी सारे पिक्चर है, अगर मैं कहूं ईच पिक्चर इज वंडरफुल, एक बात ध्यान दो, देखो गेस्ट एक से ज्यादा है, पिक्चर एक से ज्यादा है, लेकिन हमने प्लूरल नहीं यूज किया। जब कोई नाउन के पहले ईच या एवरी लगता है, वो नाउन कभी भी प्लूरल में यूज नहीं होता है, वो नाउन हमेशा सिंगुलर में ही यूज होता है। तो जब हम कहेंगे ईच पिक्चर लुक्स वेरी गुड, मतलब मैं हर एक पिक्चर की अलग अलग से बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि हर एक पिक्चर बहुत खूबसूरत है। देखो जब हम कहेंगे एवरी जो है, एवरी को भी हम सिंगुलर के साथ ही यूज करते हैं। जब हम एवरी यूज करते हैं, उसके साथ भी नाउन सिंगुलर में ही यूज होता है, प्लूरल में नहीं यूज होता है। देखो एवरी गेस्ट वॉच्ड द प्राइम मिनिस्टर, वॉच्ड एज द प्राइम मिनिस्टर केम इन। जब प्राइम मिनिस्टर आया तो हर एक गेस्ट ताक के देखा। तो आई एम टॉकिंग नॉट अबाउट वन गेस्ट, बट आई एम सेइंग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द गेस्ट्स, कि सारे गेस्ट जो वहां पे थे वो प्राइम मिनिस्टर को अंदर आते हुए देखा। एवरी स्टूडेंट हैड अ डिक्शनरी। देखो एवरी के साथ स्टूडेंट्स नहीं होगा, एवरी और ईच के साथ नाउन हमेशा प्लूरल होता है, सॉरी सिंगुलर होता है। तो एवरी स्टूडेंट हैज अ डिक्शनरी मतलब हर एक स्टूडेंट के पास, हर एक के पास एक डिक्शनरी है। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द स्टूडेंट्स इंडिविजुअली। उसके बाद देखो आइदर, आइदर, आइदर यूज होता है जब हम दो चीज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। और नाइदर यूज होता है नेगेटिव सेंस में, आइदर दो चीज के बारे में पॉजिटिव सेंस में, नाइदर दो चीज के बारे में नेगेटिव सेंस में। जैसे देखो विच डे इज गुड टू यू, विच इज अ गुड डे टू सी यू, कौन सा दिन तुमसे मिलने के लिए अच्छा है? मंडे और ट्यूजडे, तो यहां पर दो दिन है मंडे और ट्यूजडे। मैं कहता हूं आइदर डे, आइदर मतलब दोनों, मैं मंडे की भी बात कर रहा हूं ट्यूजडे का भी बात कर रहा हूं, आइदर डे अर्थात दोनों दिन अच्छे हैं। इफ आई से आइदर साइड मतलब दोनों साइड, तो यहां पे भी याद रखना जब आइदर नाइदर यूज करेंगे, मैं बात कर रहा हूं दो चीज की लेकिन नाउन सिंगुलर में होगा। तो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये चारों के साथ नाउन जो है वो सिंगुलर में ही यूज होता है। हालांकि ईच और एवरी में हम बहुत सारों में, बहुत सारों के बारे में बात कर रहे हैं, और आइदर नाइदर में हम दो के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन नाउन इनके साथ हमेशा सिंगुलर में ही यूज होगा। नाइदर मतलब होता है आइदर का ऑपोजिट। अगर देखो यहाँ पे होता विच डे इज गुड टू सी यू, नाइदर मंडे और ट्यूजडे, अगर हम कहते हैं नाइदर डे मतलब दोनों में कोई भी नहीं। नाइदर रिपोर्ट कंटेन्स यूजफुल सजेशंस मतलब दोनों में से कोई भी रिपोर्ट में यूजफुल सजेशन नहीं है। अब देखो ये ब्लैंक्स जो है इसको तुमको ईच, एवरी, आइदर, नाइदर भर के फिल करना है। जैसे देखो व्हाई आर यू इन सच ए हरी एवरी टाइम आई सी यू, मतलब हमेशा जब मैं तुमसे मिलता हूं तुम इतनी जल्दीबाजी में क्यों रहते हो, बाकी तुम दिमाग लगा के तुमको फिल करना पड़ेगा। अब हम लोग आएंगे इंटरोगेटिव। देखो इंटरोगेटिव में क्या आता है? वॉट मतलब क्या, विच माने कौन सा, हुज माने किसका। जैसे हुज लैपटॉप, देखो नाउन है लैपटॉप, उसके पहले हुज आ गया। हुज विच बुक, कौन सा किताब, किताब के पहले विच आ गया। क्या असाइनमेंट, वॉट असाइनमेंट, असाइनमेंट इज नाउन, उसके पहले वॉट आ गया। इसके अलावा
देखो हुज के इसके अलावा, ये तीनों के अलावा कभी कभी हाउ मेनी और हाउ मच भी इंटरोगेटिव डिटरमाइनर की तौर पर आ सकता है। जैसे हाउ मच मिल्क विल यू ड्रिंक, हाउ मेनी बॉयज वेयर प्रेजेंट इन द मीटिंग। देखो बॉयज नाउन है, उसके पहले हाउ मेनी आ गया, मिल्क नाउन है, उसके पहले हाउ मच आ गया। अब तुमको क्या करना है, ये एक्सरसाइज जो है इसको ये व्हाट व्हिच हुज हाउ मेनी और हाउ मच से भरना है। जैसे कलर टाइल्स हैव यू यूज्ड, तुम्हारे बाथरूम में कौन सा कलर टाइल तुमने यूज किया, तो क्या करेंगे व्हाट व्हिच कलर, कौन सा कलर, व्हिच कलर टाइल्स हैव यू यूज्ड इन योर बाथरूम, इसका कीमत क्या था, तो क्या के लेके आएगा व्हाट डिड द कॉस्ट। इस तरह से बाकी का तुमको भर के फोटो उठा के हमको भेजना बाय फ्राइडे इवनिंग प्लीज सेंड, ठीक है, आई विल करेक्ट एंड गिव यू। नेक्स्ट आता है क्वांटिफायर। क्वांटिफायर में क्या आता है, मेनी, अ लॉट ऑफ, सम, एनी, नो, मच, ये सारे वर्ड्स जो है इनको क्वांटिफायर बोलते हैं, क्योंकि ये वर्ड्स जिस नाउन के सामने यूज होता है ये वर्ड्स उस नाउन के नंबर या क्वांटिटी, मतलब अमाउंट या नंबर के बारे में कुछ ना कुछ हमें कहता है। जैसे देखो सम और एनी, सम जो है, सम हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के पहले लगा सकते हैं। सम क्वांटिटी भी बोलता है और सम नंबर भी बोलता है। जैसे हम वी कैन से आई नीड सम कार्ड, कार्ड तो गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल नाउन है, तो क्वांटिटी बोल रहा है कि मुझे थोड़ा कार्ड चाहिए। और एनी, आई कांट ईट एनी मीट, मैं सॉरी आई बॉट सम बुक्स, बुक्स तो काउंटेबल है, मैंने कुछ किताबें खरीदा, यहां पे नंबर के तौर पर भी सम का यूज होता है। और एनी जो है, एनी एनी भी काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ आता है। जैसे देखो आई डिडंट ईट एनी मीट, मीट इज नॉट काउंटेबल, वन मीट, टू मीट, नो, इट इज अनकाउंटेबल, तो मैंने थोड़ा भी मीट नहीं खाया, तो एनी आ गया। एंड शी आस्क्ड इफ यू हैड एनी क्वेश्चन, क्वेश्चन इज काउंटेबल, वन क्वेश्चन, टू क्वेश्चन, थ्री क्वेश्चन, तो उसने पूछा कि हमारे पास कोई क्वेश्चन है कि नहीं, तो यहां पर अनकाउंटेबल नाउन जो है उसके पहले भी एनी आ गया। देखो सम जो है, सम एफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होता है, सम कभी भी नेगेटिव सेंटेंस में सम का यूज नहीं होता है। एनी जो है, एनी का यूज हम नेगेटिव सेंटेंस में कर सकते हैं, जैसे वी वोंट हैव एनी फन, हमको बिल्कुल मजा नहीं आएगा। अच्छा, नाउ सी, सम और एनी दोनों को हम लोग प्रश्नवाचक वाक्यों में यूज कर सकते हैं। अगर देखो सम को यूज करेंगे वो क्वेश्चन में, अगर हम उस क्वेश्चन की सवाल में उत्तर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ उत्तर दिया जाएगा। जैसे अगर हम तुमको कहे क्या थोड़ा मिठाई खाओगे, मैं सोच रहा हूं कि तुम हाँ बोलोगे, तो मैं सम यूज करूंगा, विल यू हैव सम स्वीट्स। देखो अगर मैं तुमको पूछूं कुछ खाना खाया है, अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि तुम बोलोगे नो, तो आई विल से डिड यू हैव एनी फूड। अगर मैं एक्सपेक्ट करता कि तुम बोलोगे हाँ, तो हम यूज करते डिड यू हैव सम फूड। अंडरस्टूड? तो क्वेश्चन में जब सम और एनी यूज करेंगे तो इसको ध्यान में रखना है। देखो एनी जब यूज करते हैं उसका मतलब होता है कोई भी एक, कभी कभी जब एनी हम यूज करते हैं उसका मतलब होता है कोई भी एक, कोई पर्टिकुलर नहीं। इफ आई से गिव मी एनी पेन फ्रॉम योर बैग, मतलब तुम अपनी बैग से कोई भी पेन दे दो, मैं कोई पर्टिकुलर पेन की बात नहीं कर रहा हूं। देखो मच मतलब बहुत सारा, ये सिर्फ काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही यूज होता है। मच मतलब काफी सारा, लार्ज क्वांटिटी, मच सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही यूज होता है। मेनी का मतलब भी होता है लार्ज नंबर, लेकिन ये सिर्फ काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, मेनी बॉयज, मेनी गर्ल्स, मेनी मेंबर्स, मेनी कार्स वगैरह वगैरह। अब देखो लिटिल, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, लिटिल यूज होता है सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन के साथ, थोड़ा समझाने के लिए। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल? देखो लिटिल मतलब एकदम कम, एकदम थोड़े, अ लिटिल मतलब होता है थोड़ा लेकिन थोड़ा है, अ लिटिल मतलब थोड़ा मतलब है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ लिटिल लगाएंगे मतलब एकदम नहीं है, बहुत कम है। अ लिटिल मतलब थोड़ा है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, और द लिटिल मतलब
यही थोड़ा है, द लिटिल मनी आई हैव, मतलब यही थोड़ा जो पैसा मेरे पास है, फ्यू लगता है काउंटेबल नाउन के साथ जिसको हम लोग गिन सकते हैं, फ्यू बॉयज, फ्यू गर्ल्स एटसेट्रा, फ्यू मतलब एकदम कम, अ फ्यू मतलब कम लेकिन थोड़ा है, और द फ्यू मतलब वो थोड़े जो है, द फ्यू का यूज करते हैं वो थोड़े जो है। अब ये सेंटेंसेस को तुमको इन वर्ड्स के साथ फिल करना पड़ेगा, यू हैव टू फिल इन द वर्ड ब्लैंक्स विद लिटिल, अ लिटिल, देखो सम, एनी, मच, मेनी, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू, यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स विद दिस, डू वन थिंग। अच्छा ओके, तुम करो, मैं चेक कर दूंगा। नेक्स्ट सी, अब आगे जो है, आगे जो मैंने, तो बाकी का तो सिर्फ ये एक्सरसाइजेस है, ये कर लेना, और ये जो पहला का पहला जो हमने डिस्कस किया उसी को शॉर्ट करके दिया हुआ है। सो दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर, प्लीज डू द होमवर्क बाय फ्राइडे इवनिंग सो दैट आई कैन चेक इट ऑन सैटरडे। ओके, थैंक यू सो मच।